हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटीहेलमिंथेस पार्ट टू। और इसके अंदर जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि बीएससी के लिए ये पार्ट नहीं है, ये जो पार्ट है केवल एमएससी के बच्चों के लिए है, क्योंकि अभी क्लासिफिकेशन जो है बीएससी में अप टू क्लास तक है और इसके अंदर मैंने जो है वो ऑर्डर्स डिस्कस किए हैं। लेट्स बिगिन टूडेज टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटीहेलमिंथेस। क्लासिफिकेशन मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन उसकी डिटेल स्टडी भी अब कंटिन्यू कर रही हूँ। क्लासेस की डिटेल स्टडी मैं पिछले वीडियो के साथ ही कंप्लीट कर चुकी थी, आज मैं उनके ऑर्डर्स जो हैं, जो तीनों क्लासेस हैं उनके ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो आज जो मैं सबसे पहले जो डिस्कस कर रही हूँ टर्बेल एरिया है। टर्बेल एरिया के जो फाइव ऑर्डर्स हैं, दैट इज एसीला, रेबडोसीला, एलोसीला, ट्राइक्लैडिडा एंड पॉलीक्लैडिडा। तो अब इनके हम करेक्टर्स के बेस पे इनमें डिफरेंसेस क्या हैं वो देखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि जब भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ें उनमें कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको लर्न करना बहुत इजी होगा। तो सबसे पहले साइज़ की बात कर रहे हैं, तो एसीला जो है बहुत माइन्यूट साइज़ के होते हैं, जिनका साइज़ लेस देन 2 mm होता है, जबकि जो रेबडोसीला हैं वो भी स्मॉल, काफ़ी छोटे साइज़ के ही होते हैं, इनका साइज़ लेस देन 3 mm होता है, जबकि एलोसीला के अंदर जो है थोड़े से साइज़ इंक्रीज है, दैट इज़ 3 to 10 mm। बट इन दी ट्राइक्लैडिडा दे आर लार्ज इन साइज, 2 to 60 cm इन साइज, और पॉलीक्लैडिडा जो हैं वो मॉडरेट साइज़ के होते हैं, दैट इज़ 2 to 20 cm इन साइज। एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हम देखें तो एसीला के अंदर जो माउथ है वो वेंट्रल पोजीशन पे होता है, और जो इसका फेरिंग्स है हाईली मस्कुलर होता है, और यहाँ पर इंटेस्टाइन जो है वो एब्सेंट होती है, जबकि रेबडोसीला के अंदर जो फेरिंग सिंपल है और सैक लाइक होता है। एलोसीला के अंदर फेरिंग सिंपल ही होता है, लेकिन यहाँ पर इंटेस्टाइन जो है स्ट्रेट और ब्रांच दोनों तरह की पोजीशन हो सकती हैं। यहाँ पर फेरिंग सिंपल होने के साथ साथ एक खासियत ये है कि थोड़ा बल्बस होता है, मीन्स फूला हुआ होता है। ट्राइक्लैडिडा के अंदर माउथ विंड वेंट्रल पोजीशन पर है, फेरिंग्स जो है प्लीकेट टाइप का होता है, एंड इंटेस्टाइन विद ब्रांचेस ईच विद मैनी डाइवर्टिकुला, मतलब 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है और हर ब्रांच में बहुत सारे डाइवर्टिकुला, मतलब फोल्ड्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। पॉलीक्लैडिडा के अंदर फेरिंग्स प्लीकेट टाइप का ही होता है और इंटेस्टाइन वहाँ भी हाईली ब्रांच्ड होती है। अब एस्क्रिटरी ऑर्गन की बात करें तो एसीला के अंदर जो है एस्क्रिटरी ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होते हैं कॉमनली। वैसे हम जो फ्लैट वर्म्स की बात करते हैं तो उसके अंदर, या प्लैटीहेलमिंथेस की बात करते हैं तो वहाँ पर फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया जो हैं एस्क्रिटरी ऑर्गन की फॉर्म में होते हैं, तो लेकिन यहाँ पर एसीला के अंदर ये एब्सेंट है, जबकि बाकी सभी के अंदर, मीन्स रेबडोसीला, एलोसीला, ट्राइक्लैडिडा, पॉलीक्लैडिडा, सभी के अंदर जो है प्रोटोनेफ्रिडिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद गोनेट्स की बात करें तो यहाँ पर एसीला के अंदर जो है गोनेट भी जो है वो डेफिनेट नहीं होते, जबकि रेबडोसीला के अंदर गोनेट का नंबर 1 और 2 होता है। एलोसीला के अंदर टेस्टिस तो न्यूमरस होती हैं बट ओवरी जो है वो 2 ही होती हैं। इसी तरह सेम जो है ट्राइक्लैडिडा के अंदर टेस्टिस न्यूमरस है, ओवरी वहाँ 2 ही हैं, बट इन द केस ऑफ पॉलीक्लैडिडा वहाँ पर जो है टेस्टिस और ओवरीज दोनों ही मैनी है, मतलब बहुत सारे हैं, तो इसीलिए मैंने गोनेट्स मैनी करके मेंशन किया है। अब बात करते हैं योग ग्लैंड्स की, तो योग ग्लैंड्स जो है एसीला के अंदर एब्सेंट होती हैं, जबकि रेबडोसीला के अंदर प्रेजेंट भी हो सकती हैं, एब्सेंट भी हो सकती हैं, और सेम वही चीज़ जो है हम एलोसीला के अंदर भी देखते हैं, प्रेजेंट और एब्सेंट, जबकि ट्राइक्लैडिडा के अंदर जो है वो प्रेजेंट है और पॉलीक्लैडिडा के अंदर जो है योग ग्लैंड्स जो हैं वो एब्सेंट होती हैं। अब बात करते हैं इनकी हैबिट और हैबिटेट की, तो हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो जो एसीला हैं दे आर फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक इन नेचर, और इसका एग्जांपल है कन्वोल्यूटा, और जिसका शेप हम कुछ देखें वो इस तरह का हमें दिखाई देता है। जबकि बात करते हैं रेबडोसीला की, तो रेबडोसीला दे आर एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक, किसी भी तरह के हो सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है मीजोस्टोमा, जो कि कुछ कुछ लिवर फ्लू से मिलता जुलता लेकिन थोड़ा इलांगेटेड शेप का होता है। इसके बाद एलोसीला की बात करें तो दे आर एक्वेटिक एंड पैरासिटिक इन नेचर, तो इसका एग्जांपल है प्रोरिंकस, और उसका शेप कुछ हमें इस तरह का दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्राइक्लैडिडा के एग्जांपल की और उसके हैबिटेट की, तो उसके अंदर जो
दे आर एनिमल्स एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको डोगेशिया या हम जिसे प्लेनेरिया कॉमनली बोलते हैं उसका दिया है। और पॉलीक्लेडेरा जो हैं दे आर मैराइन और मोस्टली बॉटम ड्वेलर होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है नोटोप्लेना, और वो नोटोप्लेना जो है वो हमें इस तरह का दिखाई देता है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है वो टर्बल एरिया की जो 5 ऑर्डर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे ट्रिमेटोडा के जो ऑर्डर्स हैं। नाउ क्लास, ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा के जो 3 ऑर्डर्स हैं मोनोजीनिया, डाइजीनिया एंड एस्पिडो कॉटिलिया। अब इसके करेक्टर्स की बात करें तो हैबिट और हैबिटेट की बात करें, दे आर मोस्टली एक्टोपैरासिटिक इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मीन्स इसके अंदर जो ऑर्गेनिम्स हैं या तो वो एंडोपैरासाइट हैं या एक्टोपैरासाइट हैं, रेयरली कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्री लिविंग है। तो मोनोजीनिया के जो हैं वो एक्टोपैरासाइट हैं और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर एक्टोपैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं, मीन्स बाह्य परजीवी। डाइजीनिया के अंदर देखें मोस्टली एंडोपैरासाइट इन वर्टिब्रेट्स एज वेल एज इन इनवर्टिब्रेट्स। और एस्पिडोकॉटिलिया के अंदर हम देखें दे आर एंडोपैरासाइट इन दी गट ऑफ फिशेज एंड रेप्टाइल्स। इसी तरह बात करते हैं अब इनके सकर्स और हुक्स की, क्योंकि दे आर पैरासाइट इन नेचर, तो इनके अंदर जो है सकर्स मीन चूसकांग भी उपस्थित होते हैं और किसी किसी में हुक या स्पाइन भी प्रेजेंट होते हैं। तो मोनोजीनिया के अंदर जो पोस्टीरियर एडहेसिव ऑर्गन और ऑफिस्टो एप्टर विद सकर एंड आर्म्ड विद हुक्स और स्पाइन, इस तरह से हम देख सकते हैं ये पोस्टीरियर एंड पर जो है यहाँ पर इसके सकर प्रेजेंट होता है और उस पर बहुत सारे स्पाइन लाइक या हुक लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जबकि डाइजीनिया की बात करें तो वहाँ 2 सकर्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये एसिटाबुलम और ये ओरल सकर, और दोनों में ही जो है वो हुक्स प्रेजेंट होते हैं। एस्पिडोकॉटिलिया के अंदर लार्ज वेंट्रल सकर प्रेजेंट होता है जो कि सब डिवाइडेड इंटू सेवरल सकर्स विदाउट हुक्स, हुक्स नहीं होती हैं, लेकिन एक ही सकर जो है बहुत सारे सकर्स के अंदर डिवाइड होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव मोनोजीनिया के अंदर जो वजाइना है जिनका नंबर 1 और 2 हो सकता है, स्मॉल यूट्रस विद फ्यू सेल एग्स, यहाँ पर जो यूट्रस छोटे साइज का होता है और उसके अंदर कुछ शेल एग्स प्रेजेंट होते हैं, और एग्स का एग्जाम्पल है गायरोडैक्टाइलस जो कि इस तरह का में दिखाई देता है। इसी तरह डाइजीनिया की बात करें तो वहाँ पर वजाइना जो है वो एब्सेंट होती है, लॉन्ग यूट्रस विद न्यूमरस शेल्ड एग, यहाँ पर बहुत सारे जो यूट्रस है उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है और उसमें बहुत सारे शेल्ड एग भरे रहते हैं। और एस्पिडोकॉटिलिया की जो खास बात है कि मेल के अंदर सिंगल टेस्टिस होती है, बाकी जो चीज़ें वो नॉर्मल होती हैं बट मेल के अंदर सिंगल टेस्टिस होती है, और इसका एग्जाम्पल है एस्पिडोगैस्टर जो कि हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और ये फेशियोला जो है वो हमें इस तरह का दिखाई देता है। तो ये था आपके ट्रिमेटोडा की जो ऑर्डर्स थे उनके करेक्टर्स के बारे में। तो आज मैंने यहाँ टर्बेलेरिया और ट्रिमेटोडा दोनों डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सिस्टोडा का जो सब क्लासेस और उसके ऑर्डर्स हैं उनको डिस्कस करूँगी। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।